अवाम वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ फिट दिल्ली। मैं हूँ बीना नवीन। हमारा बदलता लाइफस्टाइल कई तरह की बीमारियों को दावत देता है और उन्हीं में से एक है मोटापा। तो आज फिट दिल्ली में हम बात करेंगे मोटापे की, उसके खतरों की और साथ ही किस तरह से मोटापे से बचा जा सकता है उसकी भी। बच्चों में मोटापा उन्हें कई तरह की बीमारियों में घेर सकता है और आजकल कई तरह के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब बच्चे मोटापे की वजह से ठीक से सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इस वजह से दिन भर वो ऊंघते रहते हैं और उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। बच्चों किशोरों में बढ़ता मोटापा उन्हें तेजी से कई बीमारियों की गिरफ्त में ले रहा है। बच्चे भले ही इस बात से अनजान हैं कि उनका बढ़ता मोटापा उनके लिए कितनी परेशानियों का सबब बन रहा है, लेकिन कम से कम पेरेंट्स को तो सही समय पर अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में होश में आ जाना चाहिए। मोटापे के कारण बच्चों में कई तरह की बीमारियां होने के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही पिछले कुछ समय से मोटापे से उनकी नींद उड़ने की शिकायतें भी बढ़ी हैं। ये आजकल प्रॉब्लम बढ़ गई है, खासकर स्कूल के बच्चों में भी जो ओबीज हैं, मोटे ज्यादा हैं, उनमें डे टाइम स्लीपीनेस बढ़ जाती है और टायर्डनेस, लिथार्जी ज्यादा हो जाती है। और उसके कई कारण हैं, लेकिन जो मेजर कारण ये है कि रात में ठीक से सो नहीं पाते, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई ऐसे कारण हैं जो मोटे बच्चों से उनकी नींद छीनने की वजह बनते हैं, क्योंकि बॉडी फैट जो है ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है और कुछ फैट डिपोजिशन अराउंड द एरिया, गले के आसपास का जो एरिया है उसमें हो जाती है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। गले में अपर एयरवेज में नैरोइंग हो जाती है और कई बच्चों में तो टॉन्सिल की वजह से होती है, कईयों में मोटापे की वजह से वो टिश्यूज में वहाँ पे फैट जम जाता है तो वो भी नैरो कर देता है। बच्चों की मस्त लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, टीवी से घंटों चिपके रहने का शौक उन्हें मोटापे के सिवा कुछ नहीं दे रहा, लेकिन यही मोटापा उन्हें डीप स्लीप से महरूम कर रहा है और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ रहा है। इनकी डीप स्लीप की क्वांटिटी कम रह जाती है, लगता है कि सो रहे हैं लेकिन वो सुपरफिशियल स्लीप में या स्टेज वन स्टेज टू स्लीप में ज्यादा रहते हैं। जो डीप फेजेस स्लीप के हैं 3 और 4, उसमें नहीं पूरा जा पाते, इनकी ड्रीमिंग फेज भी कम हो जाता है। वो दिन में वो कैच अप करने की कोशिश करते हैं, स्कूल में बैठे इनकी अटेंटिवनेस कम हो जाती है, इनके स्कोर्स कम हो जाते हैं पढ़ाई में। बच्चों को ठीक से नींद नहीं आना एक बीमारी है जिसके लक्षणों को यदि सही समय पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन एक उम्र गुजर जाने के बाद इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे स्नोरिंग करते हैं और उनमें कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो आई थिंक उस टाइम पे उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी, क्योंकि उस समय उनकी अगर सर्जरी हो जाए, यू नो देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट कि उनका टॉन्सिलेक्टोमी और एडेनेक्टोमी हो जाए तो दे कैन एक्चुअली ग्रो आउट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। एक तो टॉन्सिल्स को रिमूव करना और जो एडेनॉइड ग्लैंड्स जो गले में होते हैं उसको रिमूव करने से जो एयर का पैसेज स्मूथ हो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा यदि रात को ठीक से नहीं सो पाता तो पेरेंट्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस समस्या का समाधान समय पर जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए मुसीबतें काफी बढ़ जाती हैं। बच्चों के लिए प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। बच्चे यदि रात को सो नहीं पाते तो उसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पे पड़ता है और कई तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है जो बच्चों की नींद डिस्टर्ब करता है। इसलिए यदि आपका बच्चा मोटा है, रात को ठीक से सो नहीं पाता और दिन भर झपकियां लेता है, तो इसे इग्नोर करने की बजाय समय पर डॉक्टर की सलाह लें। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।